Hello everyone, thank you for joining me in this journey of Islamic calligraphy course. I'm really glad to see ke bahut se log Islamic calligraphy art ko seekhna chahte hain, na sirf classical style mein but jo abhi modern state of art hai usme bhi calligraphy ko learn karna chahte hain. Aaj se hum basically apne is Islamic calligraphy course ko start karte hain. Aaj ki is video mein hum dekhenge ki basic material जो कि इस्लामिक कैलीग्राफी के लिए रिक्वायर्ड है वो क्या है. मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इंक्स और पेन्स और कलम की तरफ नहीं लेके जाऊंगी. आई विल बी इन लो बजट कि हर कोई सीख सके, कि हर कोई कर सके. होता क्या है कि शौक सबको होता है, पोटेंशियल भी सब में है, बट जो मटेरियल है उसकी प्राइस कई दफ़ा बहुत ज़्यादा होती है, कई दफ़ा अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल आ जाती है, तो लोगों का शौक पूरा नहीं हो पाता. सो आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो. इस्लामिक कैलीग्राफी के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसमें बिगनर्स के लिए लिमिटेड बजट को माइंड में रखते हुए कुछ चीज़ें मैंने लिस्ट डाउन की हैं. सो उन्हीं चीज़ों को अब मैं इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करूंगी. तो जो पहली चीज है वो है आपकी बेस, कि आप लिखना किस पर चाह रहे हैं, आप कैलीग्राफी किस चीज पर करना चाह रहे हैं. तो मैं यहाँ पे आपको बताती चलूं कि मार्केट में बहुत सारी क्वालिटीज में कैलीग्राफी पेपर्स अवेलेबल हैं, आप वो यूज कर सकते हैं. बट एज ए बिगनर जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपको उन पेपर्स पे जाने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट बाय अ सिंपल बट गुड क्वालिटी वाइट पेपर स्केच बुक, जो काफ़ी होगी. आप बड़े साइज में लें, छोटे साइज में लें, डजेंट मैटर. आप वाइट चार्ट को यूज़ कर सकते हैं, चार्ट पेपर्स पे चल सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी चॉइसेस फॉर यू. यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पास ये मौजूद है. अपने इस कोर्स में ड्यूरिंग प्रैक्टिस जब हम लाइव सेशंस करेंगे तब तो मैं आपको दिखाऊंगी कैनवासिस पे, बोर्ड्स पर किस तरह से आप कैलीग्राफी कर सकते हैं. बट ड्यूरिंग अल्फाबेटिक लर्निंग, जब हम अल्फ़ाबेट्स को लर्न करेंगे तो यही स्केचबुक में यूज़ करूँगी. स्कॉलरशीट्स यूज़ कर सकते हैं. स्कॉलरशीट का टेक्सचर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि एक साइड पे कुछ टेक्सचर्ड होती है और दूसरी साइड उसकी प्लेन है, तो आप दोनों साइड्स को यूज़ कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, आप जो चाहें वो साइड उसकी सेलेक्ट करें और उस पर आप कैलीग्राफी वगैरह कर सकते हैं. आफ्टर सेलेक्टिंग द बेस द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड इज पेंसिल. पेंसिल लें, गुड क्वालिटी लें, डजेंट मैटर कि आप 2B लेते हैं, HB लेते हैं, वो स्केचिंग में ज़्यादा मैटर करता है. यहाँ पर आप एक नॉर्मल पेंसिल, एक नहीं बल्कि आपको दो नॉर्मल पेंसिल्स की ज़रूरत होगी. सो दो पेंसिल्स को यूज़ करेंगे आप. उनको कैसे आपने अटैच करना है, अटैच करने के लिए आपको टेप की ज़रूरत है, आप टेप यूज़ करें. और इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एंगल. जो आप एंगल रखना चाहें, अगर आप फ्लैट एंगल रखते हैं तो भी, अगर आप थोड़ा सा उसे टिल्ट रखते हैं तो भी. सो लेट्स सी कि आप किस तरह से पेंसिल का एंगल बनाएंगे और इस पेंसिल को आप किस तरह से यूज़ करेंगे कैलीग्राफी में या बेस कैलीग्राफी में.
Next thing is वो है मार्कर्स. मार्केट में अगर मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूँ या डिफरेंट कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो भी मार्केट में बहुत सारे गुड क्वालिटी मार्कर्स अवेलेबल हैं. आपको चूज़ कौन सा करना है जिस पे कट है. कट मार्कर जो है आपको वो यूज़ करना है कैलीग्राफी के लिए. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास भी डिफरेंट मार्कर्स हैं और इट्स रियली ईजी टू राइट विद मार्कर. सो मार्कर्स को आप यूज़ कर सकते हैं. कार्ड्स पे लिखना चाहते हैं या कहीं भी जहाँ आपको मिनी साइज में रिक्वायर्ड हो लिखना तो आप फाउंटेन पेन यूज़ कर सकते हैं. जी हाँ, और फाउंटेन पेन के लिए आप इंक भी फाउंटेन इंक ही यूज़ करेंगे. फिल करें, केयरफुली फिल करें और जब भी आप कैलीग्राफी कर रहे हैं या पेंटिंग कर रहे हैं तो डस्टर्स प्लीज़ अपने साथ रखें. जैसे कि अभी यहाँ मुझे ज़रूरत पड़ गई. सो आप फाउंटेन इंक को फिल करें फाउंटेन पेन में और लेट्स सी के रिजल्ट्स क्या होते हैं. अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो आई एम अ लेफ्टी, लेफ्ट हैंडेड. सो आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना. कलम को किस तरह से पकड़ना है ये मैं आपको बताऊँगी, राइट हैंड से भी और लेफ्ट हैंड से भी. सो आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना. हियर यू कैन सी आई हैव कलम इन डिफरेंट साइजेस. सो अगर मैं इसे राइट हैंड से यूज़ करूँगी तो उसका स्टाइल कुछ इस तरह से होगा. आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट उसको रख के, क्योंकि इनकी टिप एंगल्ड होती हैं. गुड क्वालिटी जो पहले से ही प्रिपेयर्ड कलम्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं. बट ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ से? पर्टिकुलरली जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट की शॉप्स हैं वहाँ से आप ये सारा मटेरियल ले सकते हैं. ये देखें, क्योंकि मैंने वो पेंसिल से पहले लिखा हुआ है तो उस पर आप देखें कि मेरी मूवमेंट एग्जैक्ट मेरे कलम के साथ मैच हो रही है. सो कलम आप यूज़ करें. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कलम के लिए आप कौन सी इंक यूज़ करेंगे. आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास एक ड्राइंग इंक अवेलेबल है और ये पहले से ही मतलब एक रेडीमेड इंक है. आप इस इंक को यूज़ करके कलम से लिख सकते हैं. बट अगर आप ये इंक खुद बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं. जी हाँ, आप ये इंक खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, घर पे बनाएं. तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैलीग्राफी इंक कैसे बना सकते हैं घर में और जो कलर्ड इंक्स हैं यूजिंग एक्रिलिक्स वो घर में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और उन्हें स्टोर कैसे कर सकते हैं. सो प्लीज़ डोंट मिस एनी वीडियो ऑफ माई चैनल. डिप करें कलम को अच्छी तरह से, क्योंकि मैं इस कलम को काफ़ी अरसे बाद यूज़ कर रही हूँ. सो ये बहुत ड्राई है, आप इसको थोड़ी देर इंक में छोड़ें ताकि ये इंक को एब्जॉर्ब कर ले और फिर आप इससे लिख सकते हैं. आज ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जब हम डेली अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करें तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करते हैं. आप मार्कर यूज़ करना चाहते हैं, आप कलम यूज़ करना चाहते हैं, आप पेंसिल्स यूज़ करना चाहते हैं या फाउंटेन पेन यूज़ करें. इट्स ऑल अप टू यू. सो मैं आज आपको इसीलिए सारे मटेरियल्स बता रही हूँ कि आप इजीली इस चीज़ को समझ सकें कि स्टाइल सबके साथ लिखने का एक ही है, जस्ट मटेरियल्स डिफरेंट हैं, जस्ट कलम डिफरेंट हैं, हमारे पेन डिफरेंट हैं, मार्कर्स डिफरेंट हैं, बट उन सब के साथ लिखने का स्टाइल एक ही है. तो आपकी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है, आपको अल्फ़ाबेट्स के एंगल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है. सो इन चीज़ों को लर्न करने के लिए आप देखें मेरी नेक्स्ट वीडियोस. यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास कलम्स की एक और वैरायटी मौजूद है, ये मैंने खुद बनाई और इट्स रियली अमेजिंग टू हैव दीज कलम. इनका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त. लाइक मैं ज़्यादातर फ्री स्टाइल कैलीग्राफी करती हूँ तो मेरे लिए तो ये कलम बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही हैं. सो आप इनको ज़रूर बनाएं, बट बनाना चाहते हैं तो आपको देखनी पड़ेगी मेरी वीडियो जिसमें मैंने बताया कि आप ये कलम किस तरह से बना सकते हैं. बहुत ईजी, बट
कीपिंग इन माइंड, मैं जब भी ये वीडियोस बनाती हूँ हाउ टू मेक, तो इन चीज़ों को बहुत माइंड में रखती हूँ कि बजट में होना चाहिए, बजट से ज़्यादा ना हो, बजट से कम ही हो तो बेहतर है। इन कलम के लिए भी आपको फाउंटेन इंक आप यूज़ कर लें, आप ड्राइंग इंक यूज़ कर लें, या आप एक्रिलिक इंक जो मैं बनाऊंगी आप वो यूज़ कर लें, इट्स ऑल अप टू यू। सो यहाँ आप देखें कि मेरे पास ब्रश भी अवेलेबल है, हम ब्रश को यूज़ करके भी बहुत खूबसूरत कैलीग्राफी कर सकते हैं, बल्कि मेरी मोस्टली जो कैलीग्राफीज हैं, जो आर्टवर्क्स हैं, वो ज़्यादातर ब्रशेस से ही मैंने बनाए हैं। सो ये एंगल्ड ब्रश है, आप ये यूज़ कर सकते हैं, एंगुलर ब्रश इसे हम कहते हैं, और आप फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं। एक्रेलिक कलर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके लिए, सो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, आप ये सब चीज़ें इजीली परचेज कर सकते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट की शॉप से। ठीक, ये इंक साशे हैं जिनको यूज़ करके आप घर में इंक खुद बना सकते हैं, बट किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी। पॉइंटर्स को कभी मत भूलिएगा, अपनी कलेक्शंस में, मटेरियल कलेक्शंस में, मटेरियल लिस्ट में पॉइंटर्स को लाजमी रखें, क्योंकि जो नीटनेस और जो क्लियरिटी कैलीग्राफी की आती है इन पॉइंटर्स की वजह से, दैट्स रिमार्केबल। वेरी नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू हाउ यू कैन क्रिएट एक्रिलिक इंक एंड ड्राइंग इंक एट होम, सो कीप वॉचिंग माई चैनल, टेक केयर।